देखिए, इस बार का सूर्य ग्रहण कितना खास रहने वाला है यह आज हम जानने की कोशिश करेंगे। सूर्य ग्रहण हालांकि 20 तारीख को है, लेकिन आज से ही हम इस पर क्यों बात कर रहे हैं ये हमारे दर्शकों के लिए जानना बेहद जरूरी हो जाता है। क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए, कौन सी चीजें आपको करनी चाहिए, क्या सूतक लगेगा, क्या मंदिर के कपाट वैसे ही खुलेंगे, तमाम सवाल जो आपके मन में भी होंगे हमारे मन में भी हैं, इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे। स्टूडियो में दो मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, प्रतीक भट्ट जी ज्योतिषाचार्य हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। पंडित विनोद भारद्वाज ज्योतिषाचार्य हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। तो देखिए, जैसा कि गुंजर ने यहां पर बोला कि कई तरह के सवाल ग्रहण के साथ लोगों के जहन में आते हैं, थोड़ा डर भी बैठ जाता है कि ग्रहण होने वाला है तो क्या होगा, कोई बुरे प्रभाव तो ये नहीं डालेगा, तो यही सब समझने की कोशिश अपने इस खास कार्यक्रम में आज हम करने वाले हैं। तो प्रतीक जी, जैसा कि आपने भी हमारी पहली रिपोर्ट देखी और जैसा हमने चर्चा की हाइब्रिड सूर्य ग्रहण, और हम बात भी कर रहे थे कि होता क्या है, तो हमारे दर्शकों को बताएं कि हाइब्रिड सूर्य ग्रहण क्या होता है और कैसे ये मतलब इतने सालों बाद 100 सालों के बाद लगभग ये जो लगने वाला है किस तरह का होगा। देखिए, करीब 6 से 7 साल से मैं कवर कर रहा हूं खुद आज तक GNT पे ये ग्रहण, तो आप देख सकते हैं पहली बार हो रहा है हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है, दिन में 3 तरह के ग्रहण। आप सोच रहे होंगे 3 तरह के कैसे, तो 3 तरह के ग्रहण होते हैं, पूर्ण ग्रहण, आंशिक ग्रहण और वलयाकार, जिसे आप रिंग ऑफ फायर कहते हैं। तो ये तीनों ग्रहण की वानगी 20 अप्रैल वैशाख मास की अमावस्या के दिन देखी जाएगी, इस वजह से इसे हाइब्रिड ग्रहण कहा जा रहा है। हाइब्रिड ग्रहण होने की वजह से ही, क्योंकि ये बहुत ही दुर्लभ स्थिति होती है, तो 100 साल बाद ये स्थिति पड़ रही है, तो निश्चित तौर पर जिन देशों में ये ग्रहण होगा वहां इसका अच्छा खासा इंपैक्ट भी होगा। ये ग्रहण मेष राशि में, जहां पर राहु पहले से ही स्थित है, वहां पर लगेगा। उसी के 2 दिन बाद 20 तारीख को जो ये ग्रहण होगा, 22 तारीख को बृहस्पति भी उन्हें ज्वाइन करेंगे, तो आप समझ सकते हैं सूर्य राहु की युति पितृदोष, बृहस्पति राहु और गुरु की, तीनों की स्थिति गुरु चांडाल योग, तो ये ग्रहण कहीं से भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। अब रही बात भाई कहां पड़ेगा, तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, चाइना, जापान, कंबोडिया, इन देशों पे पड़ेगा, भारत पर यह ग्रहण नहीं पड़ रहा है, इसलिए सूतक के कोई भी नियम यहां पर अप्लीकेबल नहीं होते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जैसे पिता एक हैं, सूर्य एक है, तो पृथ्वी एक है, तो ग्रहण भी एक है, वो कहीं भी पड़ेगा, थोड़ा इंपैक्ट तो अगर सूतक के नियम नहीं भी है तो भी पड़ता है, तो उसके लिए कुछ उपाय, कुछ रत्न आपको बताएंगे। लेकिन सर्वप्रथम आपने समझा हाइब्रिड ग्रहण, तो इस दिन का सदुपयोग करिएगा। जिन लोगों को पितृदोष है, गुरु चांडाल दोष है, उनको ज्यादा से ज्यादा पूजा सूर्य नारायण की, आदित्य हृदय स्त्रोत की, राम रक्षा स्त्रोत की, या श्री राम का नाम, सूर्यदेव के नाम जपने चाहिए, उससे बहुत लाभ मिलता है।